कांग्रेस प्रवक्ता की प्रेस वार्ता। जी हां, खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले भोरल थाना अंतर्गत में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता श्री प्रेम कौशल ने अपने निवास, जिसे उन्होंने सहयोग निवास कहा, पर पत्रकारों का स्वागत किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि भाजपा और स्थानीय विधायिका श्रीमती कमलेश कुमारी का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से भोरंज विधानसभा में विकास कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से इस विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। प्रेम कौशल ने कहा कि ऐसे लोगों की नजर कमजोर है। जब इस विधानसभा का गठन हुआ था, तब से लंबे समय तक चौधरी धर्म सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया और मंत्री रहते तहसील, ब्लॉक, बिजली व पानी के दफ्तर बनवाए। कांग्रेस शासन काल में ही SDM ऑफिस खोला गया। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल स्कीम, जिसकी लागत उस समय 80 करोड़ रुपए थी, कांग्रेस द्वारा शुरू की गई, जिसमें कुल 251 गांव इस स्कीम के अंतर्गत कवर हुए। इसके अलावा नए हॉस्पिटल और नए स्कूल खोले गए और कई स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया। प्रेम कौशल ने कहा कि श्री ईश्वर दास धीमान ने भी अपने कार्यालय में क्षेत्र में विकास कार्य किए, परंतु जितनी उनसे अपेक्षा की थी उतने कार्य नहीं हुए। वर्तमान विधायिका श्रीमती कमलेश कुमारी ने भी कुछ विकास कार्य किए हैं, लेकिन वे कार्य राजनीतिक फायदे के लिए किए गए। प्रेम कौशल ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने हमीरपुर दौरे में की गई घोषणाओं द्वारा भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल लोग नीचा दिखाने की कोशिश की है। वर्तमान विधायिका कमलेश कुमारी विधानसभा क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसके अनुरूप कार्य करे। आगे उन्होंने भाजपा द्वारा जाहू में हवाई अड्डे की बात को एक जुमला बताया और कहा कि अगर सरकार वर्तमान बस अड्डे की मरम्मत ही करवा दे तो यह भी बड़ी बात होगी। उन्होंने सरकार से जाहू में HRTC डिपो बनाने की मांग की। कौशल जी ने वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर व भाजपा से सवाल किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक भाग जाहू हमीरपुर में क्यों नहीं बनवाया जा सकता। आखिरकार हमीरपुर उनका लोकसभा क्षेत्र है। अंत में उन्होंने पंचायत चुनाव में जीते सभी प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और उन्होंने विकास कार्य को करने की नसीहत दी। इस मौके पर श्रीमती राजकुमारी सदस्य जिला परिषद पवन चौधरी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक सेवा दल पवन कुमार, नरेश ठाकुर महासचिव जिला कांग्रेस, त्रिलोक चंद, विनोद कुमार महासचिव भोरंज ब्लॉक कांग्रेस भी उपस्थित रहे। जिला परिषद सदस्य श्रीमती राजकुमारी ने समर्थकों का आभार जताया। देखिए हमीरपुर से रतन चंद की यह रिपोर्ट। आप सबका स्वागत। आज जो नया आवास मेरा, जिसको मैंने सहयोग निवास का नाम दिया है, इसमें आज पहली बार आप लोगों को आमंत्रित करके आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मुझे मिला है। आप लोग तशरीफ लाए, आपका स्वागत भी और आपका धन्यवाद भी। आज यहाँ हमारे साथ हमारी जिला परिषद की नवनिर्वाचित सदस्य भोरंज विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती राजकुमारी जी उपस्थित हैं और मैं इनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी जिला परिषद की प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र में विजयी हुई है और एक पोस्ट हमने थोड़े से वोटों से, 400-500 वोटों से हमारी जो जीत थी वो नहीं हो सकी। उसमें कुछ रिकाउंटिंग का भी इशू है, चलिए वो लीगल चीज़ें हैं। बाकी मेरे साथ से जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव पवन जी हैं, प्रधान इलेक्ट हुए हैं अभी, हमारे पवन चौधरी जी सेवा दल के राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी हैं, ट्रेनर हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की मजबूती के लिए बड़ी मेहनत के साथ और तलीनता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे नरेश ठाकुर जी पूर्व प्रधान हैं त्रिलोक के और जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। त्रिलोक रवाड़ा जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। विनोद सुमन जी जनसेक्ट्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी के। हमारे भाई अमित चांगरा जी और मेरे मीडिया से संबंधित सारे मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। आज का मकसद कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। एक बहुत लंबे समय से मैं, क्योंकि प्रदेश का प्रवक्ता हूं तो दूसरी हमीरपुर में पत्रकार वार्ता होती रहती है, जो प्रेस नोट जाते हैं वो थोड़ी सी भोरंज में दिक्कत यह है कि यहाँ
एक से संपर्क होता है तो दूसरे से नहीं हो पाता, दूसरे से होता है तो तीसरे से नहीं हो पाता, तो इस वजह से जो प्रेस नोट है वो भी सीधे वो प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते जो है वो हमीरपुर ही जाते हैं मेल के माध्यम से। तो आप लोगों से ज्यादा एक संवाद और इंटरेक्शन जो है वो उसकी कमी मैंने महसूस की कि वो रहती है, और क्योंकि मेरा आधार वॉरेज है आप लोगों के साथ, मेरे एक पत्रकार के अलावा एक दोस्ताना और मित्रतापूर्ण संबंध भी हैं, तो बड़े लंबे समय से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि पहले मैं किराए के मकान पे था तो वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था करनी संभव नहीं थी। रेस्ट हाउस के ऊपर हमारी जो विधायक है उन्होंने कब्जा जमाया हुआ लगातार 3-4 सालों से, तो इस वजह से थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था। तो अब एक बैठने की और रहने की प्रॉपर एक प्लेस है, तो इस वजह से मैंने आपको आज आमंत्रित किया, आपका स्वागत एक बार सुने। मैं आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र से संबंधित ही कुछ चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। 3 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्तित्व में हो गया, और हमारी स्थानीय विधायक को भी 3 वर्ष का कार्यकाल जो है वो लगभग हो ही गया पूरा। पिछले दिनों जश्न भी मनाया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 वर्ष पूरे करने का। एक 2-3 महीने 4 महीने पहले एक चर्चा कुछ लोगों ने की, इसमें हमारी आदरणीय विधायक कमलेश जी भी थी, कुछ और लोगों ने भी कहा कि पिछले लंबे समय से भोरंज में कोई विकास का काम नहीं हुआ। मैंने वो खबर पढ़ी सारे समाचार पत्रों में, और मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ इस चीज का। जिन लोगों को लगता है कि पिछले लंबे समय से इस विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि उनकी जो नजर है वो कमजोर है। शायद देख नहीं पाते। नजरें 2 तरह की होती हैं, एक तो ये नजर जिससे हम बाहर देखते हैं, चीजों को देखते हैं, एक नजर होती है दिल और दिमाग की नजर भी होती है, वो वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ या 30 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ, वो सही हो सकते हैं, लेकिन सही वो उस रेफरेंस में हो सकते हैं कि उनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ, वो शायद अपनी बात कर रहे होंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में जब से ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया, चौधरी धर्म सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया, लंबे समय तक प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, और मंत्री रहते भोरंज के अंदर तहसील ब्लॉक जितने भी बिजली पानी पीडब्ल्यूडी के दफ्तर थे वो आए, विकास की शुरुआत हुई, और उसके पश्चात छोटी छोटी चीजों को नहीं मैं गिनाऊंगा, वो तो जब समय आएगा उसकी बाकायदा सूची जारी की जाएगी। उसके बाद भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर एसडीएम का दफ्तर हमने खोला, हिमाचल प्रदेश की अपने समय की सबसे बड़ी पीने के पानी की स्कीम, बहुत बड़ी ये तो बहुत है। जिसकी उस समय जो लागत थी 80 करोड़ के लगभग थी, और उस वक्त बमसन और मेवा 2 विधानसभा क्षेत्र होते थे। आप मुझे बोल रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट है, बमसन और मेवा 2 विधानसभा क्षेत्र होते थे, और इस स्कीम का नाम भी बमसन मेवा जो था वो रखा गया, और 80 करोड़ रुपए लागत रखी। तो उस वक्त बमसन विधानसभा क्षेत्र के 51 गांव जो थे वो इस स्कीम में कवर होते थे, और 200 गांव जो थे वो मेवा विधानसभा क्षेत्र के कवर होते थे। और आज जब डिलिमिटेशन हुई, पुनर्गठन हुआ, पूर्ण सीमांकन हुआ विधानसभा क्षेत्रों का, तो टोटल जो एरिया है वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र का स्कीम के अंदर कवर होता है, जिस विधानसभा क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में टैंकरों से पानी पीने में दिया जाता था, आज लोगों को पानी की कमी है, वो वर्तमान सरकार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो कर नहीं पा रही है। तो इतनी बड़े बड़े काम, हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, स्कूलों के दर्जे बढ़ाए,
जिन जो विधायक और जिन लोगों को लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, अपनी नजर को बदलें, नजरिए को बदलें और चश्मा जो है उसको भी बदल लें। ईश्वरदास धीमान लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने भी किया, मंत्री भी रहे। अगर हम कहें कि ईश्वरदास धीमान ने कुछ नहीं किया वो भी गलत, उस बात से भी मैं कहूंगा कि वो कोरी राजनीति होगी। बतौर मंत्री जितनी उनसे उम्मीद थी, जितनी उनसे अपेक्षा थी, उतना काम उन्होंने नहीं किया, ये सही है। और उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये रहा कि उनको मंत्री पद की लालसा होती थी, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे और प्रेम कुमार धूमल की छाया में जितना भी विकास के कोई प्रोजेक्ट थे वो सारे बमसम की तरफ चले जाते थे और भोरंज या मेवा उस वक्त का जो कह सकते हैं आप या भोरंज भी कह लो वो नजरअंदाज होता रहा। अब कमलेश जी के विधायक बनने के बाद कुछ काम इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जैसे डिवीजन आए, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन आया, आईपीएच का डिवीजन आया, उसके लिए सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। अगर कांग्रेस का विधायक होता ये काम हम भी करते, ये हमारे एजेंडे पे भी थे। हमारे एजेंडे में विकास की दृष्टि से थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब ये दफ्तर खोले गए वो राजनीतिक दृष्टि से खोले गए। राजनीतिक दृष्टि कैसे, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जब कल्याण में आके जनसभा को संबोधित दो बार किया उन्होंने और दोनों बार उनके एजेंडे पे प्रेम कुमार धूमल रहे। किसी न किसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने का काम उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने दौरों के दौरान किया। और ये जो दो डिवीजन यहां खुले हैं ये विकास तो मैं मानता हूं कि हाँ ये विकास का काम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो है, इस पृष्ठभूमि के पीछे जो है वो यही है कि धूमल साहब को उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि आप अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए, मैंने किया। मतलब एक तरह से ये धूमल साहब को ही एक तरह से नीचा दिखाने का जो प्रयास है इस माध्यम से किया गया, लेकिन फिर भी हम मुख्यमंत्री के धन्यवादी हैं कि उन्होंने ये विकास के काम किए। लेकिन मैं कमलेश जी को एक चीज कहना चाहता हूं, वो पहली बार विधायक बनी है, भाग्यशाली हैं कि उनको विधानसभा के क्षेत्र में लोगों ने मौका दिया और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि वो चुनाव जीत गई। तो इसलिए जो जिम्मेदारी उनको विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दी है उस जिम्मेदारी की तरफ फोकस करें, उस पर ध्यान दें। पिछले जो नेता इस विधानसभा क्षेत्र के रहे हैं वो चाहे चौधरी धर्म सिंह जी थे, चाहे ईश्वरदास धीमान जी थे, और अगर इस विधानसभा क्षेत्र में शून्य नंबर किसी को काम के देने हो, जीरो देनी हो ना डेवलपमेंट के एंगल से, माइनस में भी अगर किसी का आंकलन करना हो तो वो डॉक्टर अनिल कौर, उनको भी थोड़े से समय के लिए विधायक बनने का मौका मिला। तो अगर कोई ये कहना हो कि किसी ने कुछ नहीं किया प्रतिनिधि होते हुए, उसको कोई शील्ड देनी हो, उसका कोई तगमा देना हो, उसका कोई अलंकृत करना हो किसी तगमे से, तो वो डॉक्टर नील को किया।